हमारे भाई हेमंत जी से जैसा किया तो उन्होंने आश्रम दिया कि आप दे दीजिए। वैसे मुझे वो एक उनको दे देना था, उन तक पहुंचाना था जो सहायता करना चाह रहे थे। उससे बड़ी बात तेलंगाना राज हासिल करने का जो आंदोलन हमने 2001 में शुरू किया था, हमारे पहले चीफ गेस्ट था श्री शिबू सोरेन जी, उन्होंने उस समय आके तेलंगाना जनता को काफ़ी हिम्मत दी है और सारे आंदोलन में तेलंगाना राज्य बने तक हमारे साथ बने रहे। हर राज में जब हम उस समय के सरकार से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, वो तेलंगाना की तरफ से लड़ रहे थे, तो उनको भी मुझे मिलना था, काफ़ी मैंने उनके आशीर्वाद देना था। मुझे बहुत खुशी हुई मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनका भी दर्शन प्राप्त करवाया, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने और वो भी खुश थे कि तेलंगाना राज्य बना और अच्छा तरक्की कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे। ये भी बातें हुई, ये दोनों भी अच्छे सफल बातें हुई। अब जहाँ तक राजनीति की चर्चा है उसका भी चर्चा हुई, काफ़ी बातें हो रही है देश भर में नेता लोगों से, कई लोग जब भी मिलते हैं तो बात कर रहे हैं। एक ही बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 75 साल की आज़ादी के बाद जिसको जिस दल का डेवलपमेंट का हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाए और कई चीजों में हम पिछड़े रह गए दुनिया की तुलना में। देखे भारत से लगा हुआ चाइना का तरक्की हुआ, कई एशियन कंट्रीज भी हमारा चर्चा हुआ, लेकिन सारे देश में जो नेता लोगों से चर्चा हो रहा है तो भी मिल करके उसी समय हम लोग किसी जगह मिले, मिलने के बाद किस प्रकार का एजेंडा लिया जाए, किस प्रकार का काम शुरू किया जाए, देश को और अच्छे तरीके से एक नया उमंग एक नया दिशा कैसे का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है तो भी लोग मिलकर रहेंगे, उस बात में स्थान हम आपको धन्यवाद। क्वेश्चन इज व्हाट इट मीन्स, व्हाट डजंट मीन इन आर्टिकल। वी आर वेरी क्लियर, वी आर वेरी क्लियर, भारत को एक सही दिशा में ले जाने का एक कड़ी प्रयास होना चाहिए, उस प्रयास का प्रारंभ हुआ है, चर्चा हुई, तो एंटी बीजेपी फ्रंट, कांग्रेस फ्रंट या इसके फ्रंट उसके फ्रंट नहीं। मैं यहाँ साफ करना चाहता हूँ, आपने ऐसी बात कहा है, कोई कह रहा है थर्ड फ्रंट है, फोर्थ फ्रंट है, यह फ्रंट अभी बन नहीं है, क्या बनेगा आगे चल के पता चलेगा। ये बात तो तय है, एक बात बिल्कुल तय है, आजादी के मिलके हमें 75 साल गुजर गए, संभावित विकास नहीं हो पाया देश में, संभावित फल लोगों को नहीं मिले, इसीलिए कुछ नया करने की जरूरत है। वो नया क्या है, किस तरह किया जाए, क्या किया जाए, ये अभी तय होने हैं, आगे चल के तय होगा। आप कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, पत्रकारों से मेरा निवेदन है, प्लीज डोंट गिव ए नेम, कहेंगे जो को अच्छे भारत बनाने में आपका भी योगदान चाहते हैं। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल अपने सच्चे मन से, अच्छे मन से, बहुत समझदारी से कह रहा हूँ। एक अच्छे भारत, बहुत ही अच्छे भारत, अब से कई गुना अच्छे भारत, जो हो रहा है उससे कई गुना अच्छा विकास, अच्छे परिणाम मिले देश के जनता को, ये हमारी इच्छा है, उसको लेकर के हम प्रयास में लगे हुए हैं। इतने बड़े देश में इतने सारे पार्टियां, इतने बड़े नेता है, कई लोग हैं, कई संगठन हैं, कल मुझे दिल्ली में किसान के नेता भी मिले थे, कई लोग मिलते रहे, तो हर चीज़ में, हर विभाग में किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार का आगे ले चलना चाहिए, इसका कोई एक दो लोग तय नहीं कर पाते। जब हम सो बैठेंगे तब एक रास्ता बनेगा, किस रास्ता पकड़ना है, क्या करना है, फ्रंट बनाना है या और कुछ बनाना है, वो सारे चीज़ आगे चल के बताएंगे। आप लोगों से इतना मैं निवेदन करता हूँ, सबसे बड़ा योगदान आप ही का हम चाहते हैं इस देश को बनाने, यस प्लीज प्लीज थोड़ा संयम बरते,
कुछ ही समय में हम लोग पूरे विस्तार में बात बता देंगे। आपके आंख के बगैर, जैसा कि पंडित ना आए शादी नहीं हुई, आपके बगैर तो कोई बात हो नहीं सकता। थोड़े दिन तैयारी, आपको रोज हम न्यूज देते रहेंगे, कुछ ही समय की इंतजारी है, माफ करना, धन्यवाद, थैंक यू, नो मोर क्वेश्चंस। Family members.